पूरी पीछे से बना वाले अल्लाह ताला हम सब लोगों को इज्जत दे, अपना कुछ रिश्ता ही अलग हो गया है। लेकिन उससे पहले भी जब मेरे पास कोई शेल्टर नहीं था, मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो इस मसूद कबाइल के लिए बेशुमार गवाहियां आपको मिलेंगी कि हर जगह खड़े हुए, हर जगह गए, और जहां इन गलियों में मतलब आज भी हमें मतलब क्लियरेंस नहीं थी आने, बिल्कुल क्लियरेंस नहीं थी, लेकिन हम लोग गए कुछ अलग लाइट टाइम बंद है, हमने कहा अल्लाह खैर करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो मेरी बीवी है, ये भी मतलब ऐसी दरवेश किस्म की औरत है। बाकी मतलब आपने देखा होगा कि मामला जरा थोड़े से होते हैं, मतलब ना गर्दनों में सरिये हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह उन सबको मामला को बेहतर करना है, मामला को आगे बढ़ाना है और सिलसिले को चलाना है और जुल्म और सितम को खत्म करना है, ना इंसाफियों को खत्म करना है। हर जगह होती है, हर जगह एक घर में हो जाती है, तो इंशाल्लाह इस मामले को बहुत तरीके से लेकर चलते हैं। उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने अपने कीमती वक्त में से इस वक्त के कारण यहाँ पर तशरीफ लाए। और जैसा कि मेरे भाई ने एक बड़े अच्छे अंदाज में और पूरी अपनी बिरादरी की नुमाइंदगी करते हुए अपने मुतालबात को अपने सामने रखा, हुआ कई ग्रीन बस के हवाले से बात कर लें, K4 के हवाले से बात कर लें, G3 के हवाले से बात कर लें, ये सारे मामला तो एक पूरे कौमी बुनियाद पर काम हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह के मेरे भाई ने यहाँ पर बयान किया, ये हमारी पूरी बिरादरी जो है, मैं इस वक्त मसऊद बिरादरी की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, ऐसा कहूँ कि मेरी जिम्मेदारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से पूरे डिस्ट्रिक्ट की है। और हम इस यहाँ पर पूरा ये जो है यहाँ कराची शहर का एक गुलदस्ता है, यहाँ पर उर्दू बोलने वाले भी हैं, पश्तो बोलने वाले भी हैं, सिंधी बोलने वाले भी हैं, अंग्रेजी बोलने वाले भी हैं, सरेकी बोलने वाले भी हैं, पंजाबी भी हैं, तमाम कौमें यहाँ रहती हैं, यहाँ तक कि बंगाली और अफगान बिरादरी के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, दूसरी मुल्कों से तलक रखने वाले लोग भी यहाँ पर हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के शहरी हैं और जो पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले लोग हैं और जो पाकिस्तान की सरहदों पे तारा देते हैं, वो ये बिरादरी है, ये लोग हैं, और ये हर वक्त मुल्क के लिए, कौम के लिए और अपने मजहब के लिए जो है दामे दर्द में हर तरह से ये हाजिर होते हैं। और इनकी एक कुर्बानी है, जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेकर आज तक,
इनकी कुर्बानी एक एक अलग मिसाल है, इनकी बहादुरी की अपनी एक मिसाल है। ये जो कश्मीर आजकल पाकिस्तान के साथ है वो इन्हीं बिरादरियों को तोहफा जो है हमारे पास है, जो कि इन कुर्बानी को हम भूल नहीं सकते, इनका पाकिस्तान के ऊपर एहसान है। लेकिन इस वक्त मुश्किल के शिकार है, इस वक्त जो है मसायल के शिकार है, जो जिस तरह की बिजली की बात हो रही है, जिस तरह रोडों की बात हो रही है, इस तरह पानी का भी मसला है, इस तरह गैस का भी मसला है। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो कि बातें करने की, और ये इसी हवाले से जो है आपके यहाँ पर पिछली बिरादरी का फायदा उठाते हुए ये सारे मसायल आपके सामने रखे जा रहे हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह जिस फलूस के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ आज इन्होंने आपको यहाँ पर अपने यहाँ बुलाया और इस बात को जरूरी समझा कि आप सामने अपने मसायल को, अपनी तकालीफ को रखें, और जिस तरह के मेरे भाई ने नौकरियों के हवाले से बात की, खुद ये बात बहुत अहम है कि इसके लिए एक स्पेशल इस बिरादरी के लिए, इस कौम के लिए, बलूचिस्तान के लिए और शुमारी बलूचिस्तान के लिए खुशी कोटा रखा जाए, ताकि यहाँ के लोग जो है, यहाँ के जो बच्चे हमारे जो आज पढ़ के जो है माशाल्लाह ग्रेजुएट हैं और बड़ी बड़ी अच्छी डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, लेकिन मुलाजमतें नहीं मिल रही, किसी वजह से नहीं मिल रही, किसी और निगाह से देखा जाता है। ये एक बाइज्जत कौम, एक इज्जत रखने वाली कौम है। तो इस हवाले से जो इन्होंने लोगों ने आपसे उम्मीदें लगाई हैं, जो तवक्कात आपसे की हैं, आप जो है जोश और जज्बे की बात कर रही हैं, तो ये तो जोश और जज्बा इंशाल्लाह 2018 आने वाला है उसमें दिखा देंगे। लेकिन कोई क्लियरेंस नहीं है हमें आने, लेकिन हमारा आप लोगों से जो मोहब्बत है, जो मेरी आप लोगों से मोहब्बत है, तो उसी मोहब्बत को इन्होंने मतलब रखते हुए मतलब इंशाल्लाह हम लोग तो आउट ऑफ वे जाने वाले लोग हैं, इंशाल्लाह। मैं खड़ा था, मैं नहीं जाऊँगा, तो ये मैं समझ रहा हूँ कि कुछ खड़ा होने के लिए तैयारी नहीं। मेरे ख्याल में आप लोग सारे मुस्लिम ही हैं। मैं यही बोल रहा हूँ कि हमारे जो लोगों ने फिर जो हमारे गरीब से मोहब्बत का इजहार किया, तो मैं और मेरे ख्याल में इस आजाद शरीफ खानदान से मतलब कोई भी, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत करम है। और आज तो एक हमारा अनऑफिशियल ट्रिप है, अब जो नेक्स्ट ट्रिप होगा हमारा इंशाल्लाह अपने 10 दिन में 20 दिन में आप ही मशवरे से वो एक ऑफिशियल ट्रिप होगा, और उसमें फिर प्रॉपर बाकायदा हर चीज एक तरीके का, आज तो ये समझेंगे एक हमारी एक दावत है, ये मतलब वो जो अब जो होना है वो प्रॉपर होना है, इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे। मगर जो आप लोग की शिकायतें हैं तो वो बिल्कुल वहाँ पहुँचेगी, और जो हमारी भी शिकायतें हैं हम उसमें क्या करें कि पीपल्स पार्टी हमें बढ़ने नहीं देती। लेकिन उसमें वर्क, उस ऑफिशियल जलसा कह ले उसको, या ऑफिशियल जो भी हम जो नेक्स्ट ऑफिशियल करेंगे उसके बाद फिर हम उसको, के अलावा भी हमारे लोगों को जो पुलिस पकड़ रहे हैं इसके लिए, उसके लिए हम करेंगे, इसके लिए करेंगे हमारे जैसे कुछ टीम वर्क को हम उसको बताएं कि हमारे जो गुनाह लोगों को उठाते हैं और उससे लाखों रूपये जो है पुलिस वाले जाते हैं, ये हमारा असल मसला ये भी। आप पिछली महफिल में अभी नहीं थे जो मैंने कुछ बातें अभी चंद घंटे की थी, कि मैंने कहा जो मतलब मुझे तो अब ये प्लेटफॉर्म मिला है मुस्लिम लीग नून, लेकिन मैं तो इस महसूद कबाइल के साथ मतलब एक साहब का मैंने जिक्र भी किया कि महसूद थे वो, उनको MI ले गई, तो 7 दिन में मैंने उनके बड़े भाई को जबान दी कि 7वां दिन 7 दिन मेरे 8वां दिन दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह उनको ला कर दिया। मैंने यही बोला कि हम पाक अफवाज के साथ हैं, ISI के साथ हैं, MI के साथ हैं, ID के साथ हैं, लेकिन नाजायज किसी को नहीं करना चाहिए कोई भी, मतलब सबके साथ हैं हम लोग, नाजायज बर्दाश्त नहीं होगा इंशाल्लाह। अल्लाह बहुत बड़ा है, तो 7 दिन में मैंने उनके बड़े भाई को जबान दी कि 7वां दिन 7 दिन मेरे 8वां दिन दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह उनको ला कर दिया। मैंने यही बोला कि हम पाक अफवाज के साथ हैं, ISI के साथ हैं, MI के साथ हैं, ID के साथ हैं, लेकिन नाजायज किसी को नहीं करना चाहिए कोई भी, मतलब सबके साथ हैं हम लोग, नाजायज बर्दाश्त नहीं होगा इंशाल्लाह। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे कि कोई सानिया हो, मगर जहाँ जहाँ भी हुआ है मैं जरदारी साहब का नाम नहीं लूंगी, हमारे PM साहब खुद गए, हमारे CM साहब खुद जाते हैं, हम खुद जाते हैं, मैं यहाँ इनके उस पे और आप लोग की इज्जत और उसमें बढ़ने इस
इसीलिए आई हूँ कि जाहिर सी बात है मुझे भी पता होना चाहिए कि जहाँ से मेरे मियाँ साहब आ रहे हैं वहाँ की मुश्किलात और परेशानियाँ क्या हैं, ताकि उनको हल किया जाए इंशाल्लाह। बाकी आप लोग का साथ हो तो सब सब बेहतर ही होगा। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। शरीफ साहब हुकूमत के बहुत